से जो ना पूजा भी स्टार्ट कर दी है गुम्बा में, तो यहाँ के लोग जो है ना जल्दी खाना खाओ। कहाँ पे मारा? कब मारा? हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक और अच्छे हैं। तो मिल ले रही है रिदम से, सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सभी बड़ों को हमारा प्यार भरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम सुबह के 9:30 बजे से। तो हमारा सुबह का चाय नाश्ता भी हो गया है। तो बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसलिए हम कमरे से ही ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने आप सभी को बोला था ना कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम यूट्यूब छोड़ रहे हैं, तो ये बात ना हाँ बिल्कुल सच है। हमने यूट्यूब छोड़ना था, हमारा जो मन था ना तो वीडियो बनाने का बिल्कुल भी नहीं था। तो अब जो है हमें इतने सारे कमेंट आए कि वीडियो बनाना मत छोड़ो प्लीज। तो हमारे पर्सनल भी ना जिनसे हमारी रेगुलर बातें होती थी ना, तो हमें फोन भी आकर सबने बोला कि ऐसा मत करो, 6-7 महीने से जो है तुम लोग इतना मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत जो है कल को रंग लाएगी। तो बहुतों ने जो है हमें फोन पे ना कॉल करके समझाया। तो ना हम फिर से आपसे ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं। तो हम ही शायद गलत थे ना कि हमें ऐसा लग रहा था कि हमें ना कोई भी प्यार नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते। तो फिर से एक बारी जो है हम आज से वीडियो बना रहे हैं। आप सभी ने जो है हमें इतना कमेंट किया और प्यार और सपोर्ट दिखाया, इसलिए जो है हम दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दिल्ली से जो है भैया जी ने भी हमें कॉल करके बोला कि इतना समय जो है तुम्हें यूट्यूब में हो चुका है, अब धीरे धीरे जो है धीरे धीरे ही होगा, अब एकदम से तो कुछ होगा नहीं। तो उन्होंने भी बहुत समझाया हमें। तो इंस्टाग्राम पे भी जो है हमें काफ़ी मैसेज आए कि कंटिन्यू वीडियो बनाते रहिए। तो आप सभी के कमेंट भी बहुत ही ज़्यादा आए यूट्यूब में ना। हाँ जी, तो हमें भी जो है मतलब हो जाता है ना, इतने टाइम से जो है हम आप लोगों से जुड़े हैं तो मतलब फैमिली की तरह हो जाते हैं। हाँ जी, तो हमें भी थोड़ा सा दुख भी लग रहा था, थोड़ा तो बहुत ही दुख लग रहा था हमें तो यूट्यूब छोड़ने के लिए ना। हाँ जी, तो ना शायद हमारी ही गलती थी जो हमने गलत सोच रख दिया था कि हमें कोई भी प्यार और सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारी ही गलती थी, थोड़ा सा ना बहुत ही परेशान हो गए थे ना, हमारे चैनल पे व्यू नहीं आ रहा था, इसलिए। तो आपसे जो है हम फिर से डेली व्लॉग बनाएंगे, जो भी हमारे सामने होगा, जो भी हम काम करेंगे वो सब आप सभी को दिखाएंगे। तो फिर से एक बार फिर से जो है हम यूट्यूब पे आ गए हैं आज से, आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण, जो आप सभी ने अपना प्यार और सपोर्ट हमें दिखाया। तो इसलिए जो है हम दिल से आप सभी को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ना हमें आप सभी के प्यार और सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। आप सभी को तो पता है यूट्यूब पे एक दूसरे के प्यार और सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है ना। तो हम तो आप सभी को यही कहेंगे कि आप सभी जो है हमारे ऊपर ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और ना हमें बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों का प्यार जो है हमेशा बनाए रखे हमारे ऊपर। तो यही आप सभी से कहना था, फिर से जो है आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो ना अब हमें क्या करना, हमें तो काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे कि 9:30 बज रहे हैं ना, तो आज भी हमें किस मतलब होम स्टे का पानी ढोना है। फिर से 3 ट्रक आ गया है, तो ट्रक लोड करने जाना है। तो बच्चों को जो है चाय और चोको हमने खिला दिया है, और हस्बैंड जी और मैंने भी चाय पी लिया है। तो अभी नाश्ता नहीं करेंगे, मतलब काम पर तो भूख लगती है ना, सुबह सुबह नाश्ता नहीं कर सकते हम, मतलब आदत नहीं है। तो चलते हैं काम की तरफ। तो वो जो है आजकल बहुत पसंद आ रहा है, काम करती है, मम्मी की मदद करती है ना। तो रिया का अब ना 6 दिन रह गया है, तो रिया हॉस्टल चल जाएगी, तो उसके बाद जो है रितम भी हमारे साथ काम पे जाएगा। तो रिया जो है अभी आप सभी तो पता ही है हमारा घर तो ऐसे होता है, बच्चे हैं ना तो बच्चे खिलाड़ा पा देते हैं। तो रिया शाम को बिल्कुल साफ सफाई करके रखती है। तो ना बच्चों के लिए दाल चावल है, तो रियो दिन को ना दाल चावल खिला देगी ना, खुद भी खाएगी। ठीक है, निखिल भैया को गर्म करने के लिए बोलना। ठीक है, गैस का ध्यान रखना, ठीक है, गैस नहीं चलाना ना। तो आज जो है हम लोग ना लेट हो गए हैं, तो यहाँ पर पानी जो आता था यहाँ पर ना बंद हो गया है। अब हमें जो है गुरुकुल जाना पड़ेगा फिर से। एक कैनी भरा हुआ है ना, एक कैनी ऐसे छोड़ देते हैं, तो एक कैनी तो भरा हुआ है, दे जाएंगे।
तो सड़क पे भी ना पूरा बर्फ जम गया है, ये पानी का बर्फ है। और ना आज मौसम भी बहुत ही मतलब धुंधला धुंधला सा है, कोहरा लगा हुआ है। वो देखो सामने वाली पहाड़ी जो है अच्छे से क्लियर नहीं दिख रही है। तो ये ना सड़क के साथ वाला दुकान है। तो भैया जी हेलो कर दो यूट्यूब पे। हेलो। तो अभी पीछे जैसे ना हमारे घर से कोई भी फैमिली जो है हमारे वीडियो पे नहीं आते थे, तो हमने पीछे जो यूट्यूब छोड़ रहे बोल के वीडियो बनाया था ना, तो उसके बाद जो है हमारी फैमिली को भी बहुत ही बुरा लगा, तो बोल रहे थे कि अब से हम भी तुम लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो ना एक कैने पानी लेकर आए थे और ये पीने वाले बाल्टी पे ना हमने पानी खाली कर दिया है। तो ना हम सीधा काम पे जाएंगे, हमारा पाइप वाला काम, फिर ना शाम को ही सारे जितने भी खाली कैने हैं वो पानी लेकर आएंगे। फिर आज ना लकड़ी भी फाड़ना है। आंटी जी बोल रहे थे ना कि लकड़ी खत्म हो गई है और मौसम खराब हो रहा है, तो लकड़ी भी फाड़ना है। तो चलते हैं। तो हम गुरुकुल पहुंच गए हैं, तो कैनी को हमने यहीं पे रखा है, तो शाम को ही भरेंगे पानी। तो हम गुरुकुल पहुंच गए हैं, तो कैनी को हमने गुरुकुल पे रख दिया है। तो अभी जो है हम धूप सेक रहे हैं इधर बैठ के, क्योंकि ना अभी हमारे घर से हमारी फैमिली नहीं आए हैं। तो आज से जो है हम फिर से वीडियो बना रहे हैं आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण, जो हमें हौसला है जो है वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले जो है आज मैं आप सभी को अपनी बहन अन्नू से मिलाती हूँ। तो ये रही मेरी बहन अन्नू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे दीदी और जीजा जी ने वीडियो छोड़ने का इरादा बना लिया था। ये लोग बहुत ही डिमोटिवेट हो गए थे, पर आप लोगों ने इतने कमेंट्स किए और इतना सपोर्ट दिखाया, तो इन लोगों ने आज से फिर से वीडियोस बनाने का फैसला किया है। और आज से हम फैमिली मेम्बर भी सभी इनको सपोर्ट करेंगे। तो आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे दीदी और जीजा जी को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और इनकी वीडियोस को फुल वॉच कीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। तो ना दो मतलब कल किया था पूजा, परसों किया था? कल था, कल से स्टार्ट हुआ है। तो कल से जो ना पूजा भी स्टार्ट कर दी है गुम्बा में। तो यहाँ के लोग जो है ना काफ़ी जोर शोर से जो है बर्फ मांग रहे हैं, तो बर्फ नहीं पड़ेगी तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो जाएगी यहाँ पे। तो आप सभी को जो है हमारी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो आज जो है हमारा काम यही है, दो ट्रक देख सकते हैं आप यहाँ पर हैं, एक ट्रक ये है, तो ये वाला ट्रक भरेंगे आज हम लोग। और ये मालिक साहब काम अब हमारा हो गया है शुरू, फटाफट से कर लेते हैं काम, फिर मिलते हैं आप सभी से। अभी ना सबको प्यास लग गई है, तो मैं जा रही हूँ पानी लेने। तो इस बोतल पे लेकर आती हूँ पानी। पानी भी भर दिया है। तो ये रहा बैंडेड, और हस्बैंड जी के ना हाथ पे छाला निकल गया है, तो बैंडेड लगा देते हैं। अनु ले खोल के दे। तो रस्सी खींचते समय ना बहुत ही मुश्किल होता है। सब जो है अभी आराम कर रहे हैं। तो अभी ना 3 बज गए हैं और ना हमने ये वाला ट्रक भी लोड कर दिया है, तो इस ट्रक पे ना 100 पाइपे डाल दिए हैं, तो बाकी के 2 ट्रक कल लोड करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं पानी भरने। तो मौसम भी ना बहुत ही ज्यादा खराब हो
गया है तो ऐसा लग रहा है ना जैसे कि बर्फ पड़ जाएगा। तो हस्बैंड जी ना लकड़ी फाड़ रहे हैं और हमने सारी पानी की कैने ना अंदर छोड़ भी दिया है, तो थोड़ा सा लकड़ी फाड़ेंगे फिर घर जाएंगे। तो इतना फाड़ दिया है, तो साथ पे ना हमें चाय दिया था तो हमने चाय भी पी लिया है। तो ना चोट भी लग गया था ट्रक लोड करते समय हाथ पे। जो हाथ दोगे या उठा दोगे, थक गए ना काफी। तो यहाँ पे रखूंगी लकड़ी को। इसको दे दियो ना, मिलजुल के निकल भैया भी दो ठीक है, और घर पे आ जाओ। दिन में खाना खाया था? जैसे कि आप सभी को पता है सुबह निकले थे तो आप जाके जो है घर पे पहुँचे है। तो हमारे जेठ जी क्या लाए, जेठा जी के लिंबो कैलेंडर लाए है हमारे जेठ जी और सबको बांट रहे। तो कांग्रेस पार्टी का जो है कैलेंडर लेकर आए। अभी जो है रात के 8:30 बज रहे हैं और हमारा खाना भी बनाकर जो हमने तैयार कर दिया है। तो चावल है और इसमें मलके का दाल है, साथ में राजमा का दाल है, तो प्याज है और गिलास पे चटनी है। तो खा लेते हैं हम खाना। तो हस्बैंड जी का खाना भी हो गया है, तो लगभग मेरा भी हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो अनु भी खा रही है। तो रिदम का खाना जो है ऐसे ही है, रिदू खाना नहीं खा रहा है। तो पता नहीं इसको क्या हो गया, क्यों नहीं खा रहा है? कब मारा? कब मारा? लो खाना खाओ, जल्दी रिदू खाना खाओ, खाना खाओ। कहाँ पे मारा? कब मारा? क्या बोल के मारा? नहीं मारा, लो खाना खाओ, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। के मैंने रिदम को नहीं मारा था, तो उसको डांटेंगे ना तो उसको लगता है कि मारा, तो इसीलिए जो है रिदम खाना नहीं खा रहा है। तो हमारा खाना पीना भी हो गया है और ना अभी ना गर्म करके खा रहा हूँ, तो बहुत ठंडा है, मतलब बर्फ जमा हुआ है सेब के अंदर ना। और साथ पे ना तंदूर पे दूध भी रख दिया है गर्म करने के लिए। तो खाना खाने के बाद ना ठंड सा लग रहा था, तो हस्बैंड जी और हम चूल्हे के पास बैठ के ना आग सेक रहे हैं। तो रिदम सो गया है और ये और अनु चले गए हैं सोने। और ना आज ना थकान बहुत ही ज़्यादा लगा है, इसलिए खाना खा कर ना मैंने आज रात का बर्तन नहीं धोया है, कल तो कल सुबह जल्दी उठ कर धोऊंगी। तो हस्बैंड जी ने रख दिए सारे सेब को काट के गर्म करने। तो फिर से जो है एक बारी आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण जो हम यूट्यूब पे आ गए हैं, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें। तो यही था हमारा आज का वीडियो और आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।